हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा और रेखा द इंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे। फ्रेंड्स, गर्मियों का मौसम चल रहा है और गर्मियों में आइसक्रीम सभी की बहुत फेवरेट होती है, तो आज हम आपके लेके आए हैं कच्चा मैंगो वाइट पॉप्सिकल। बनाने में बहुत ही आसान है और हमने इसको बहुत ही टेस्टी और थोड़ा अलग तरीके से बनाया है। आप रेसिपी को स्टार्टिंग से एंड तक पूरी देखें। आइए फ्रेंड्स, कच्चा मैंगो वाइट पॉप्सिकल बनाना स्टार्ट करते हैं। कच्चा मैंगो वाइट पॉप्सिकल बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है एक पैन। पैन में हम डाल देंगे 1.5 गिलास पानी, साथ ही अब हम डाल देंगे 3 से 4 चम्मच चीनी। मैंने यहाँ पे 4 चम्मच चीनी डाल दी है। चीनी डालने के बाद हमें कुछ इस तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हमें शुगर सिरप नहीं बनाना है, सिर्फ हमें चीनी को ही पानी के अंदर अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। चीनी अच्छे से पानी में घुल जाएगी, थोड़ा चिपचिपापन आ जाएगा, इतना ही हमें पानी को पकाना है। हमने यहाँ पे लिया कच्चा मैंगो वाइट टॉफी। टॉफी को हम रैपर से बाहर निकाल लेंगे और एक जार में डाल लेंगे। सभी टॉफीज को हमने जार में निकाल लिया है, अब हम इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। कच्चा मैंगो बाइट टॉफी का हमने पाउडर तैयार कर लिया है। चीनी वाला पानी तैयार हो चुका है, अब हमने जो कच्चा मैंगो बाइट टॉफी का पाउडर तैयार किया है उसको थोड़ा थोड़ा करके हम पानी में डाल देंगे। कच्चा मैंगो बाइट टॉफी का पाउडर भी हमने डाल दिया है और खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। और देखिए, पाउडर बहुत अच्छे से इसमें घुल गया है। हमने यहाँ पे लिया है ग्रीन फूड कलर, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें वरना स्किप कर दें। ये देखिए, मैंने ग्रीन फूड कलर डाल दिया है, इससे जो हमारा कलर है बिल्कुल कच्चा आम वाला आएगा। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। हमने यहाँ पे लिया है एक नींबू और नींबू का रस भी अब हम इस सिरप में डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अब हमारा जो कच्चा मैंगो बाइट पॉप्सिकल बनाने के लिए जो हमने मिक्सचर तैयार किया है इसको ठंडा होने देंगे। कच्चा मैंगो बाइट पॉप्सिकल का जो सिरप हमने तैयार किया है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम कच्चा मैंगो बाइट पॉप्सिकल को और ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें छोटा आधा चम्मच डाल रहे हैं काला नमक और छोटा आधा चम्मच हम डाल रहे हैं चाट मसाला। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो डालिए वरना स्किप कर दीजिए, इससे कच्चा मैंगो बाइट पॉप्सिकल का टेस्ट दुगना हो जाएगा। आइए फटाफट से मोल्ड में फिल कर देते हैं। सभी कप्स को हमने फिल कर दिया है, अब फॉइल से इसको कवर कर देंगे। इस तरह से बीच में कट लगा देंगे और आइसक्रीम स्टिक को सेंटर से हम इसमें लगा देंगे। ये देखिए, सभी कप में इसी तरह से हमें कट लगाना है और आइसक्रीम स्टिक लगानी है। सभी कप में हमने आइसक्रीम स्टिक लगा दी है, ओवरनाइट के लिए या 10 से 12 घंटे के लिए फ्रीज कर लेंगे। कच्चा मैंगो बाइट पॉप्सिकल बिल्कुल रेडी है, 10 से 12 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, हमने फ्रीजर से बाहर निकाल ली है। देखिए कितने बढ़िया से हमारी पॉप्सिकल बनके तैयार हुई है और बच्चों को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। देखिए कलर भी कितना शानदार आया है। कच्चा मैंगो बाइट पॉप्सिकल को हम कप से बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से कप में कट लगा लेंगे और बहुत ही आसानी से हमारी जो पॉप्सिकल है वो बाहर निकल के आ जाएगी। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी कच्चा मैंगो बाइट पॉप्सिकल बनके तैयार हुई है। कच्चा मैंगो बाइट पॉप्सिकल हमने कप से बाहर निकाल दी है और देखिए हमने इस तरह से बच्चों के लिए सर्व भी कर दी है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ट्राई करें, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।